राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है जी का मोटवानी की माँ के ऊपर होगी, ना मोनी का मोटवानी जिन पर लगते हैं बेटी को जवान बनाने के लिए इंजेक्शन देने के जो है आरोप। अंशी का मोटवानी 9 अगस्त 2022 को 31 साल की हो गई है। 2007 से ही जो है यह चर्चा में है। अंशिका ने जो है उम्र से बड़ी दिखने के लिए हार्मोनल जो है इंजेक्शन लिए थे। यह भी कहा जाता है कि इंजेक्शन उनकी मां मोना मोटवानी ने उन्हें लगवाए थे। खूबसूरत और दिलकश एक्ट्रेस अंशिका मोटवानी 9 अगस्त 2022 को जो है 31 साल की हो चुकी हैं। तमिल और तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। हिंदी के दर्शकों के लिए अंशिका मोटवानी आज भी सकाला का बूम बूम की करुणा है। अंशिका ने टीवी पर देश में निकला हुआ चांद से जो शुरुआत की थी। अंशिका ने अल्लू अर्जुन के अपोजिट तेलुगु फिल्म भी की। उसी साल 2007 में वही मिस रेशमिया के साथ आपका सुरूर में नजर आई। हर किसी की आंखें पटी की पटी रह गई कि अब तक जो है बच्ची दिखने वाली अंशिका अचानक बड़ी कैसे हो गई। मैं 6 साल में ही जो है अंशिका के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको चौंका दिया था। चर्चा उठी कि अंशिका ने हार्मोनल इंजेक्शन लिए हैं खुद को उम्र से बड़ी दिखाने के लिए। उनकी इस ललक के पीछे उनकी माँ मोनिका मोटवानी मोना मोटवानी थी। अंशिका मोटवानी की माँ ने उन्हें 16 साल की उम्र में मैच्योर और जवान दिखाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए थे। दावा किया गया है कि अंशिका की माँ उनके करियर को लेकर काफ़ी सीरियस थी, इसी वजह से जो है उन्होंने ये इंजेक्शन उन्हें लगवाए थे। चलिए बात करते हैं मोना मोटवानी के बारे में। मोना मोटवानी का जन्म जो है एक सिंधी परिवार में हुआ था। बात करें जो है उनकी माँ जो है एक गृहिणी थी और उन्होंने जो है मुंबई के एक जो है स्थानीय स्कूल में जो है पढ़ाई की। बाद में जो है मुंबई के बड़े कॉलेज में चली गई। इसके बाद जो है उन्होंने जो शादी की प्रदीप मोटवानी के साथ जो एक बिजनेसमैन है उनसे जो एक बेटी हुई, नाम जो है अंशिका मोटवानी। बाद में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म कोई मिल गया में भी जो नज़र आई। अंशिका मोटवानी के एक्टिंग करियर का सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी माँ मोना मोटवानी है। पहली बार जो है अंशिका के साथ जो है बड़ा कारण जो है जूही चावला रही। माँ का जो खुद का क्लिनिक था। जूही चावला अपने त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए अंशिका की माँ मोना के लिए क्लिनिक पर आती थी। यहीं से जो है उनके करियर की जो शुरुआत हुई। वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।